लीडरशिप इज अ वेरी लोनली प्लेस, इट्स अ प्लेस आपको एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है. लाइफ में वी ऑल मंडे टू फ्राइडे कोई कुछ कुछ सैटरडे तक काम करते रहते हैं, सुबह 9 बजे से वॉट एवर टाइम 6-7 आज के तारीख में 10-10 बजे तक बैंकर्स भी बैठे होते बेचारे, राइट. संडे को ऑफ एंड ये लूप है कंटिन्यूसली. आप लोग काफी लोग पहले ये सब कर चुके हैं, कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, राइट. एंड अपने आसपास के सारे लोगों को ऐसे ही करते हुए देखते जा रहे हैं. तीन तीन उधर 99 का चक्कर मे बी आफ्टर सम टाइम, मे बी 1-2 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाने वाली है, राइट. मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे. बट ये जो रैक्टर जो नॉर्मल लाइफ का होता है ये 40-40 साल लोग निकाल देते हैं. 40 साल के बाद आप नॉर्मली काम शुरू करते हैं 20-21 साल की उम्र में. 60-65 की उम्र में आप छोड़ देते हो कि भाई रिटायर्ड, बीच में अगर टुन हो गए तो खत्म हो गया बेचारा, राइट. बट अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कुछ 40-41 साल तक आप नॉर्मली काम करते हैं एंड 40 साल के बाद क्या होता है, इधर यू आर डेड और डेड ब्रोक, या तो कंगाली में है या निकल लिए भाई पतली गली से, राइट. पीपल कीप डूइंग दैट फॉर टाइम एंड टाइम अगेन इयर्स टुगेदर. अपने आसपास देखिए, लोगों को देखिए, यही हो रहा है. एंड देन दे आर सेइंग कि वी आर नॉट वेरी हैप्पी. कल मैं बताया कि इट्स नॉट योर कंडीशन, इट्स योर स्थिति, राइट. स्थिति सही बोला ना मैंने, आपका फैसले डिसीजन, इट्स अ डिसीजन योर लाइफ दैट चेंजेस योर डेस्टिनी, नॉट योर कंडीशन. आपके जो फैसले हैं वो आपकी जिंदगी बदलती है, ना कि आपके स्थिति किस स्थिति में है. एंड दैट्स वॉट थिंग्स गो रॉन्ग. दो आदमी जेल जाते हैं, एक बाहर निकलता है पागलों के भाई टॉर्चर हुआ है, ये तकलीफ हुई मुझे, वो तकलीफ हुई, पर सालों के बाद बाहर निकलता है मेंटल मानसिक स्थिति उसकी हिल चुकी है. और दूसरा आता है किताब लिखता है. फॉर हिम जब मैं जेल में था आई हैड टाइम टू वर्क ऑन माई सेल्फ. दोनों आदमी स्थिति सेम थी, दोनों जेल में गए हैं. मैं कल एग्जाम्पल दिया था राज का, ईडब्ल्यू में सब लोग जाते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं अंदर चला गया, पेपर में नाम छप गया, ये होगा 10 बातें. एंड दे गो डाउन वेरी मिजरेबली डाउन. और आज इतने सालों के बाद भी मोस्ट स्पार्कलिंग आईज, वो क्या बोल रहा है, मेरी गुफा है ये, मैं अपने गुफा में तप कर रहा हूं. तो कंडीशन सबकी सेम थी बट दोनों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट था. एंड दैट व्हाट विल मेक अ डिफरेंस इन यू. नाउ व्हाट हैपेंस इज मोस्टली हम लोग अपना, हमको जो करना है हम नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ फियर. ऑफ फियर वी हैव फियर एंड दैट्स वन थिंग. ये पर्टिकुलर सेशंस में, ये जो कुछ दिनों में हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे कि टू गेटिंग रिड ऑफ योर फियर्स. तो फियर्स में क्या होता है कि नॉर्मली फियर बोलते हैं कि भाई फियर किसका है कि यू आर नॉट गुड इनफ. मैक्सिमम आप देखो ना, फियर की बात करेंगे सबके अंदर. मे बी कुछ लोग मैं देखा था यहां पर, काफी लोग अच्छा नाचे थे, राइट. कुछ लोग पीछे खड़े थे, उनका मन था नाचने का पर आ नहीं रहे थे. मैं तो इतने बढ़िया डांस नहीं करता हूं बाबा और मैं नाचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे. वो परसेप्शन जो अपने ऊपर जो धारणा, अपने जो लेबल लगा हुआ है जिसे कल बातें कर रहे थे, राइट, कि मैं सभ्य नहीं दिखाई दूंगी या दूंगा. और मैंने तो कभी जिंदगी में नाचा नहीं, यहां कैसे नाच लूं. बस वही तोड़ने यहां पर आए हैं, वही तोड़ने यहां पर आए हैं आपके.